मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेंसेक्स में 600 अंकों का भारी उछाल, न्यूरेका के शेयर में 60 फीसदी का उछाल और फरवरी में तीसरी बार बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, इस महीने 100 रुपए महंगा हुआ रसोई सिलेंडर। एक तरफ बिटकॉइन को लेकर राकेश झुनझुनवाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को आगाह कर रहा है, वहीं इसमें निवेश करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। टेस्ला के बाद अब माइक्रोस्ट्रेटजी ने बिटकॉइन में 1.03 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। इस कंपनी ने 19,452 बिटकॉइन खरीदी है। टेस्ला ने पूर्व में 1.5 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश किया था। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा था कि वह 175 करोड़ की मदद से बिटकॉइन ट्रस्ट बनाएंगे, जिससे इसके प्रचार में मदद मिलेगी। माइक्रोस्ट्रेटजी इंक के सीईओ माइकल सेलर बिटकॉइन के बहुत बड़े समर्थक हैं। कंपनी ने 52,765 डॉलर की दर से बिटकॉइन खरीदे हैं। यह एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है। कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2020 में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। कंपनी के पास अभी कुल 90,531 बिटकॉइन है, जिसकी वर्तमान वैल्यू 4.48 अरब डॉलर से ज्यादा है। इससे पूर्व में कंपनी ने 23,985 डॉलर की दर से बिटकॉइन में निवेश किया था। कंपनी की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में हम अपनी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ते रहेंगे। कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश होगा उसे बिटकॉइन में निवेश किया जाएगा। टेस्ला और माइक्रोस्ट्रेटजी के अलावा बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, असेट मैनेजर कंपनी ब्लैक रॉक इंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने सपोर्ट किया है। इसके कारण इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। सुबह के 9:10 पर बिटकॉइन 50,361 डॉलर की रेंज पर ट्रेड कर रही थी। 51,445 डॉलर पिछले 24 घंटों का उच्चतम स्तर है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल के कारण सोने की कीमत पर दबाव दिख रहा है। सुबह के 11:00 सोना 46,500 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। एमसीएक्स पर 5 अप्रैल को डिलीवरी वाला सोना आज सुबह 79 रुपए की गिरावट के साथ 46,443 रुपए के स्तर पर खुला था। इस समय यह 30 रुपए की गिरावट के साथ 46,492 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। जिन डिलीवरी वाला सोना इस समय 19 रुपए की तेजी के साथ 46,696 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि चांदी में अच्छी खासी तेजी दिखी जा रही है। मार्च डिलीवरी वाली चांदी इस समय 492 रुपए की तेजी के साथ 70,035 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। उसी तरह मई डिलीवरी वाली चांदी 548 रुपए की तेजी के साथ 71,355 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमत पर दबाव दिख रहा है। इस समय अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1.35 डॉलर गिरावट के साथ 1,796.55 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। मार्च डिलीवरी वाली चांदी इस समय 0.22 डॉलर की तेजी के साथ 28.08 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने में आज तीसरी बार बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम की एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। बढ़े हुए दाम 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम भी आज 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। बीते 3 महीनों का हिसाब लगाए तो रसोई गैस 200 रुपए प्रति सिलेंडर महंगी हुई है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने का सिलसिला 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और अब तक 4 बार कीमतें बढ़ाई जा चुकी है। 1 दिसंबर को 594 रुपए से बढ़कर 664 रुपए हो गया था। 1 जनवरी को 664 रुपए से 694 रुपए हो गया था। 4 फरवरी को 664 रुपए से 719 रुपए हो गए थे, तो 15 अगस्त को 719 रुपए से 769 रुपए हो गए थे। वहीं 25 फरवरी को 769 रुपए से 794 रुपए हो गया था। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर नई कीमत तय होती है। वही सब्सिडी सीधे खाते में डाली जाती है। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खपत घटने से रसोई गैस के दाम बहुत कम हो गए थे, लेकिन भारत में कीमतें कम नहीं की गई। इससे सरकार पर से सब्सिडी को बोझ कम हो गया। लॉकडाउन के दौरान ऐसी स्थिति आ गई थी कि सरकार को घरेलू रसोई गैस पर सब्सिडी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी।
बुधवार को जबरदस्त उछाल के साथ बंद होने के बाद आज शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। आज सुबह 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 426 अंकों की तेजी के साथ 51,207 के स्तर पर और 50 शेयरों का इंडेक्स निफ्टी 97 अंकों की तेजी के साथ 15,079 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। सुबह के 9:30 बजे सेंसेक्स 600 अंकों की तेजी के साथ 51,382 के स्तर पर और निफ्टी 167 अंकों की तेजी के साथ 15,148 अंकों के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इस समय सेंसेक्स टॉप 30 में 25 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ONGC, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और HDFC बैंक भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टेक महिंद्रा में गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को सेंसेक्स में 1,023 अंकों का भारी उछाल आया था, जिससे निवेशक मालामाल हो गए थे। बुधवार को जोरदार तेजी से निवेशकों की पूंजी में 2.60 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्टिविटी के मुद्दे की वजह से कल दोनों एक्सचेंजों में कारोबार का समय 5 बजे तक बढ़ाया गया था। सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पर लगातार काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य आम आदमी तक हवाई सेवा को पहुंचाना है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से मशहूर बिलासपुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। इसे मिशन उड़ान के तहत शुरू किया जा रहा है। उड़ान के जरिए छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाषा के मुताबिक एयर इंडिया की क्षेत्रीय साझेदार एयरलाइंस कंपनी अलायंस एयर अगले महीने की 1 तारीख से फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसमें जबलपुर या प्रयागराज के रास्ते उड़ान का विकल्प रहेगा। अलायंस एयर के मुताबिक अभी हफ्ते में 4 दिन ये उड़ान शुरू होगी। टाइमिंग और किराए का ऐलान भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। अलायंस एयर ने बताया है कि बिलासपुर दिल्ली रूट पर कंपनी 70 सीटों वाला ATR 72-600 विमान इस्तेमाल करेगी। आमतौर पर किसी नए रूट पर एयरलाइंस कंपनी इसी ATR 72-600 विमान का इस्तेमाल करती है। रूट पर जब यात्रियों की संख्या का सही आकलन हो जाता है, उसके बाद ही ज्यादा क्षमता वाली हवाई जहाज को फ्लाइट सर्विस में शामिल किया जाता है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेंसेक्स में 600 अंकों का भारी उछाल, न्यूरिका के शेयर में 60% का उछाल और फरवरी में तीसरी बार बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, इस महीने 100 रूपए महंगा हुआ रसोई सिलेंडर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।